सो हाय गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेसबुक के प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जो मॉडरेशन असिस्ट का जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन का क्या बेनिफिट है। यार, आप में से काफी सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भैया मॉडरेशन असिस्ट का मतलब समझाइए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आखिर ये है क्या, इसका क्या बेनिफिट है। तो भाई, इसका इतना जबरदस्त बेनिफिट है ना कि मैं वीडियो के अंदर आपको बताता चलूंगा, आप सोच कर भी हैरान हो जाओगे कि इतना जबरदस्त जो है इसका बेनिफिट है। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में और डीप नॉलेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ से मैंने आपको लाइव प्रूफ समझाने के लिए यहाँ से मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना फेसबुक खोलना है। फेसबुक खोलने के बाद थ्री लाइंस पे क्लिक करके आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आ जाना है। जैसे ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आइएगा, इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा होगा, जैसे ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आइएगा, देखिएगा योर टूल्स में आपको एक मॉडरेशन असिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो भाई, आखिर ये है क्या, इसका क्या है और इससे हम किस प्रकार से कौन सा कंट्रोल कर सकते हैं जो कि सबके प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए मेरे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो भाई, मॉडरेशन असिस्ट का मतलब होता है कि जब आप वीडियो पोस्ट करते हो, चाहे रील्स पोस्ट करते हो, तो आपके रील्स या फिर वीडियो के अंदर देखते होंगे कि बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स आ जाते होंगे, कोई गाली दे देता होगा, कभी कभी आपके कमेंट्स में कोई लिंक पोस्ट कर देता होगा, गंदी फोटो डाल देता होगा। तो भाई, इस चीज को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो मॉडरेटर असिस्ट से, ठीक है। तो जैसे ही मॉडरेटर असिस्ट में जाते हो, तो अब मैंने यहाँ पे दो मैनेज कमेंट्स को कर रखा है, आप में एक शो करेगा। देन जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो देखिए आपके फ्रेंड्स और फॉलोवर्स, सबसे पहले आपके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को यहां से टर्न ऑन बाय डिफॉल्ट ये रहता है, ये फेसबुक जैसे ही आपको देगा तो बाय डिफॉल्ट ये आप में ऑन रहेगा ऑटोमेटिक पहले से ही, ठीक है। तो इसको ऑन रखना, तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि फ्रेंड्स और फॉलोअर्स, जो भी आपके फ्रेंड्स है फॉलोअर्स है, वो मॉडरेटर असिस्ट के अंदर अगर आप इसको ऑन करके रखते हो, तो अगर वो आपकी मतलब कि कमेंट पे कोई भी गालियां देते हैं या कोई भी ऐसा मिस वर्ड यूज करते हैं, तो आपका जो उनका कमेंट होता है वो पब्लिक को दिखाई नहीं देगा, ऑटोमेटिक मतलब हट जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात आता है न्यू फॉलोअर्स, अगर न्यू फॉलोअर्स को आप चालू करते हो, तो आपके जो भी है वीडियो या फिर रील्स के ऊपर जो भी कमेंट करने के लिए न्यू फॉलोअर्स आएंगे, अगर वो कमेंट करते तो उनका कमेंट ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर थर्ड में आता है भैया नो प्रोफाइल। तो नो प्रोफाइल का क्या मतलब कि नो प्रोफाइल जो बोट वगैरह होते हैं, जो कि मतलब अपने अकाउंट का मतलब मकसद ही यही रहता है, उनके अकाउंट का मकसद रहता है कि लोगों को गाली देना या फिर उनको डीमोटिवेट करना, ठीक है। तो वो अपनी प्रोफाइल को नहीं लगा कर रखते, जो कि फेक आईडी होते हैं, 90% फेक आईडी में आपको प्रोफाइल देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप यहां से नो प्रोफाइल पे क्लिक करके इस मॉडरेटर असिस्ट को ऑन करते हो, तो जितने भी आपके नो प्रोफाइल वाले जितने भी आपके वीडियो वगैरह पे कमेंट करेंगे ना, कुछ भी कमेंट करे भैया, उनका कमेंट दिखेगा ही नहीं, सीधा का सीधा हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ जाता है कि यहां से क्राइटेरिया विद कमेंट्स, ठीक है, कीवर्ड्स इन कमेंट्स। तो यहाँ पे जो है आप विभिन्न प्रकार के कीवर्ड्स लगा सकते हो, जिस भी जो भी मतलब गालियां से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है, भाई मुझे तो समझाने का जरूरत नहीं है कि गाली कौन सा वर्ड से स्टार्ट होता है, आप लोग तो पता है। तो यहाँ पे गालियां का चार वर्ड ऐड कर दीजिएगा, आपका जो भी उस टॉपिक से जो भी कमेंट करेगा, बेरे से जो भी है, आप यहाँ पे अगर ऐड करोगे ना, तो आपके कमेंट में एक भी गालियां नहीं आ सकती भाई, कोई आपको गाली दे ही नहीं सकता, जो कि बहुत बढ़िया फीचर लॉन्च किया है फेसबुक ने। देन अगर उसके नीचे आते हो तो लिंक्स इन कमेंट का क्या मतलब, लिंक्स इन कमेंट का यही मतलब है कि अगर आपके कमेंट बॉक्स में देखते होगे कि अगर आप वीडियो पोस्ट करते हो, तो आपके कमेंट बॉक्स में आ जाते हो कि दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब, दिस इज माय पेज प्लीज फॉलो, ऐसा करके बहुत सारे लिंक पेस्ट कर देते होंगे, सब फॉर सब वाले लिंक पेस्ट कर देते होंगे। तो जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करोगे ना कि लिंक इन कमेंट, तो जितने भी अगर कोई भी ऐसे यूट्यूबर है या फिर कोई भी ऐसे आपके फॉलोअर्स है, अगर आपके वीडियो के नीचे कोई भी लिंक कमेंट करते हैं, तो सीधा का सीधा हाइड हो जाएगा भैया, कोई भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके दिन नीचे आता है इमेज इन कमेंट, ठीक है, इमेज इन कमेंट। तो भैया इसका क्या मतलब है कि अगर आपके वीडियो या फिर आपके फोटोज या फिर आपके रील्स पे अगर कोई भी गंदी फोटो या फिर कोई भी प्रकार के फोटोज को जो कमेंट कर देते हैं, ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा इमोजी और फोटो लोगों के वीडियो के रील्स के ऊपर जो कमेंट रहते हैं गंदी, अगर यहां से आप इस चीज को अगर ऑन करके, ठीक है, ऐड टू मॉडरेटर असिस्ट पे क्लिक करते हो, तो यहां से अगर कोई भी आपकी वीडियो पे फोटो कमेंट करता ना, तो सीधा का सीधा गायब, हाइड कमेंट, दिखेगा ही नहीं, जिससे कि आप बिल्कुल सिक्योर रहोगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं, आप सीधा का सीधा कोई सा भी वीडियो पोस्ट करो जो कि आपका ओरिजिनल कंटेंट रहे, और बेफिक्र होकर काम करो भाई। ये फेसबुक का एक बहुत ही अच्छा ट्राई एंड टूल्स है। अगर उसके जस्ट नीचे जाते हैं तो पोटेंटिन इन कमेंट्स, ठीक है,
इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर आपके वीडियो या फिर रील्स या फिर किसी भी चीज के ऊपर कोई भी ऐसा कमेंट आता है जो कि फेसबुक के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है, तो वो कमेंट दिखेगा नहीं, वो सीधा का सीधा हाइड हो जाएगा। तो आप इसको भी चालू कर सकते हो। अब आता है यहाँ पे एक और लिंक, स्पाइसी फॉर साइट्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो वैसे साइट जो कि किसी चीज को, पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा देते हैं, ठीक है, जो कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेबसाइट हो गए, अगर उसका लिंक कोई आपके कमेंट बॉक्स में पिन करता है या फिर कोई पोस्ट करता है, ठीक है, तो उसका कमेंट नहीं दिखेगा। तो भाई, और इसके नीचे आता है वीडियो इन कमेंट, अगर आपकी कमेंट में कोई वीडियो भेजेगा तो उनका कमेंट शो ही नहीं करेगा। तो भाई देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस चीज में, जो भी चीज में अगर आपका ज्यादा कमेंट आता है, जैसे किसी की, कोई कोई होते हैं कि भाई वीडियो पोस्ट करते हैं, खासकर लड़कियों में ऐसा होता है कि आप लोग वीडियो पोस्ट करते होंगे तो कोई आता होगा, भाई साहब कोई, किसी ने ये कमेंट कर दिया, किसी ने गंदी गंदी, जो भी जो मन में आता है सो कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि इस चीज को आप पर्टिकुलर वे में चालू करके रखिए, ठीक है, जिससे अगर आपकी फोटो वीडियो किसी भी चीज पे अगर कोई भी वैसा इंसान जो गलत होता है वो आपको आकर कमेंट करता है, डीमोटिवेट करने का प्रयास करता, तो उसका कमेंट दिखेगा नहीं, उसका कमेंट ऑटोमेटिक जो फेसबुक होता है ना वो फिल्टर करके साइड कर देगा भाई। तो ये फेसबुक का जबरदस्त ट्राई एंड टूल्स है, इसको जाकर ट्राई करो। और जाहिर सी बात है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो।